मिठाई। वो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें शादी की शॉपिंग करनी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, सब कुछ तो है मिठाई के पास, और कुछ नहीं लेना। क्यों मिठाई? आखिर हमारी शादी होने वाली है, तो शादी को लेकर तुम्हारे मन में कोई ख्वाहिश या कोई इच्छा नहीं? समझ सकता हूँ, ये शादी हम अपने मन से नहीं कर रहे, दादों के कहने पे कर रहे हैं, उनका मन रखने के लिए, क्योंकि हम दादों की कोई बात टाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी कभी भी तुम्हारे मन में कोई बात आए या कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। ये दत्तू के बड़े पोते को अचानक से क्या हुआ? मिठाई ने दत्तू के लिए उनके बड़े पोते से शादी करने के लिए हाँ कर दी। पोते की अब समझ में आया कि मिठाई ने दत्तू के पोते को जो बात बताई थी कि दत्तू की इच्छा का मान रखने के लिए ये शादी कर रही है, वो बात दत्तू के बड़े पोते को बताने की क्या जरूरत थी? ये कहला बाबू भी ना एक भी बात नहीं पचती इनके पेट में। अब क्या सोचेंगे दद्दू के बड़े पोते? अब कोई पूछ के देखे कि नॉनसेंस कौन है? मैं तुझे फाइल्स ट्रांसफर कर दूंगा, तू आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है। सिद्धार्थ तू यहाँ? अरे मैं तो दादू। अच्छा आप मुझे यही मिल गए। वो लड़की मिठाई वो कह रही थी कि आपको वो सब रहने दे। पहले ये पता कि तू हमें कब बताए बेवार हो कि तू हमें और जब परिवार को छोड़ के जाइबे के बारे में सोच रहे हो। मैं और सिद्ध सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। दादू मैं आपको और अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, बस कुछ दिनों के लिए रोज रोज की चिकचिक से दूर जाना चाहता हूँ। मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है। अब फिर से हमारी फैमिली में हर रोज किसी ना किसी बात पर झगड़े हो रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि बंद कर दीजिए स्वीट्स का बिजनेस। जब देखो इस घर में पैसे हिस्सा और हक की बात पर आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। दादो मुझसे अब ये सब और टॉलरेट नहीं होता, इसलिए मैं सिंगापुर जाकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। दादो सिद हमारी कंपनी का बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सिंगापुर में इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और वहां पे अकेला थोड़ी ना होगा, मैं हूं ना इसकी केयर करने के लिए। तो तेरे फैसला कर ही लिया है, हम सब कुछ छोड़ के जाए बेगो। अभी हम दोनों बस यही डिस्कस कर रहे थे। शुभम भैया की शादी के 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। सोचो हो कि जब तक जब दुनिया में हूं मैं अपने परिवार के साथ जब बंसी भट्ट में रहूंगा, लेकिन दादो दादो